Redmi के Note 10 Pro और Pro Max डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर ऑक्सीजन OS का अपडेट आ चुका है, जिसे यूज करते हुए हो चुके हैं 2 दिन से ऊपर। और इसमें क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, इसे इंस्टॉल कैसे करना है, कुछ इश्यूज है या नहीं, वो सारी जानकारी मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। बस जरूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि इस रोम को डालना है या नहीं। क्योंकि जैसे ही इसका अपडेट आया, बहुत सारे कमेंट आने लगे कि भाई अपडेट आ चुका है, वीडियो लेके आओ। तेरा आपके सामने सबसे पहले देखो यहाँ पे जो हमारा AOD है वो हमारा काम करते हुए नजर आता है, कोई दिक्कत नहीं आती। कंट्रोल सेंटर हमारा स्मूथली जो काम करता है, इसमें कोई भी इशू नहीं आता, आप आसानी से इसे यूज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इसका खुद का ही डायलर देखने को मिल जाता है। बट जो कैमरा यहाँ पे दिया गया है वो है हमारा जी कैम, तो जी कैम का यूज यहाँ पे करा गया है। सेटिंग के अंदर एक आइकन दिखाई दे रहा है, वन बना हुआ, वो इसके अपडेटर का है। तो यहाँ पे एक नया अपडेट आया है ऑफिशियल ऑक्सीजन या कलर ऑफ स्केल उसका, लेकिन ये हमारे डिवाइस का नहीं है। तो गलती से भी आप अपडेट देख के अपडेट मत कर लेना, इसे आप भूल जाना कि आपके फोन के अंदर ये सेशन भी है या फिर अपडेट शो कर रहा है। ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि एक पोर्ट वर्जन है जो कि देख सकते हो यहाँ पे डिवाइस नेम वगैरह आपको दिखाई देता है। वर्जन की बात करें तो आपको एंड्रॉयड 15 देखने को मिलता है, डिफरेंट कर्नल यहाँ पे यूज किया गया है, और ये हमारा वर्जन का बिल्ड नंबर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे 1 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच आपको नजर आ जाता है। सेटिंग स्मूथनेस की बात करें तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही तरीके से काम करता है, जिसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। अनदर यहाँ पे आपको अपडेटर मिल जाता है, जहाँ पे सिस्टम ऐप अपडेट है, जेस्चर्स है, लैंग्वेज है, रीसेट वगैरह है, गूगल की सेटिंग्स वगैरह आपको मिल जाता है। अगर लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी काफ़ी हद तक है जहाँ आपको मल्टी लैंग्वेज मिलते हैं, तो जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सर कुछ इसके AI वाले फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि कलर वॉइस वगैरह के हैं, जो कि आपका वर्किंग है, एक्सेसिबिलिटी और यहाँ पे बाकी अदर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि स्प्लिट स्मार्ट साइड बार, फ्लोटिंग विंडो, 100 स्क्रीनशॉट जेस्चर्स और किकबॉल वगैरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऐसे बाय डिफॉल्ट सारे सेटिंग किए हुए रहते हैं, तब कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट आप अपना देख लेना। प्राइवेसी वाले फीचर्स जितने भी कलर वॉइस वगैरह आते हैं ना, चाहे वो किसी भी डिवाइस के लिए क्यों ना हो, उन सभी में डेड रहते हैं, साथ साथ फेस अनलॉक भी डेड रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका फिंगरप्रिंट काम करेगा, लेकिन फेस अनलॉक आपका एक्टिव नहीं होता। तो इसके लिए कंप्लेंट मत करना कि फेस अनलॉक काम नहीं करना है, जो प्राइवेसी वाले फीचर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एप्स लॉक वगैरह, वो ऑफिशियली जो हमारा हमेशा से डेड रहा है कलर वॉइस ऑक्सीजन वॉइस वगैरह के अंदर, जो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है कि सेटिंग जहाँ पे आप अपने कंट्रोल सेंटर के ऊपर का जो QoS है उसे अपने हिसाब से बदल सकते हो। तो ये वाला है जो कि कुछ खास इसका लुक मुझे पसंद नहीं पड़ा है, उससे बेटर मुझे ये क्लासिक लगता है। तो आपको जो भी लगता है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, चेंज वगैरह यहाँ से कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है स्टेटस बार, जहाँ पे आप बैटरी का आइकन वगैरह, स्पीड मीटर वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हो शॉर्टकट्स वगैरह के साथ साथ। यहाँ पे मोर सेटिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह, जो कि आप यहाँ पे एक्टिवेट कर पाओगे। साउंड के प्रोफाइल में वही बेसिक से सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम वगैरह भी काम कर रहा है, लेकिन वन प्लस के डिवाइस में अलर्ट स्लाइडर वगैरह रहता है, तो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हार्डवेयर फीचर्स है। यहाँ पे बात करें हम अपने ब्राइटनेस वगैरह की, तो ब्राइटनेस सही काम करता है। डार्क मोड में आपको 3 ऑप्शन मिलते ही मिलते हैं, जहाँ पे जो भी आपको डार्क मोड रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ऐसे मुझे तो ज़्यादा लाइट मोड ही पसंद है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टाइम आउट का ऑप्शन, जो कि आप 30 मिनट तक सेट कर सकते हो, रिफ्रेश रेट को आप हाई कर लेना, अदरवाइज आपको स्मूथ फील नहीं होगा। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अलावा यहाँ पे होम लॉन्चर की सेटिंग, जहाँ पे आप आके फ्री रैम वगैरह को शो कर सकते हो, रिसेंट में एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। यहाँ पे पॉकेट मिसमैच का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि पॉकेट मोड जिसे कहते हैं ना वही है। इसके बाद यहाँ पे डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन है, राइज टू वेक का ऑप्शन है। अगर हम डबल टैप लॉक की बात करें तो ये हमारा काम करता है, डबल टैप टू वेकअप भी हमारे यहाँ पे काम करता है, बट सम टाइम में भी किसी किसी के लिए काम ना करे। उसके बाद यहाँ पे राइज टू वेक का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे बाकी वही कॉमन से ऑप्शन वगैरह आपको मिलते हैं। वॉलपेपर स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है जो वॉलपेपर मिल जाते हैं, जो कि AOD पे काम करते हैं, और थोड़े लाइव एनिमेशन वगैरह भी देते हैं। बाकी यहाँ पे आपको AOD के और भी क्लॉक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि ऑक्सीजन ओएस वाले हैं या कलर ओएस वाले कह लो, एक ही है, बस नाम चेंज है। ये चाइना में चला जाता है, वो ग्लोबल आ जाता है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आप चाहो तो थीम आइकन वगैरह यहाँ पे इस तरीके से जो चेंज कर सकते हो, अलग अलग आपको आइकन मिल जाता है शुरू से ही, तो जिस टाइप का आपको लुक चाहिए वैसा आप यहाँ पे जो रख सकते हो, और उसके बाद साइज में आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐप का नेम वगैरह को छोटा बड़ा करके अप्लाई कर सकते हो, उसी हिसाब से आपको लुक देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क वगैरह, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह ये काम करते हुए नजर आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। और अब देखो यहाँ पे आइकन वगैरह यहाँ पे चेंज हो चुका है। और रही बात टेस्ट रिजल्ट क्या कुछ निकल के आता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि टेस्ट रिजल्ट हमें कैसा देखने को मिलता है।
और हाँ, अगर कल के डेट में या कल से पहले मैं ये वीडियो दिया होता तो मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाता इस रोम की, लेकिन गूगल ने नया पॉलिसी चेंज कर दिया जिसकी वजह से कुछ इशू आ गई है, वो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। और वो इशू सिर्फ इसके लिए नहीं, हर एक कस्टम रोम यूजर्स को फेस करने को मिलेगा पुराने वाले रोम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने गैलरी के ऊपर। तो बाय डिफॉल्ट आपको इतने ही एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद आप अपने नीड के हिसाब से सेटअप कर लेना। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 94 के बाद आता है मॉर्निंग में 93, यानी फुल नाइट में 1% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि यहाँ पे 7 to 8 आवर्स का स्टैंड बाय टाइमिंग है। यह है नॉर्मल अनटूटो स्कोर, जहाँ पे हीटिंग ज्यादा नहीं गया, स्कोर ओवरऑल में कहूँगा ठीक है, लेकिन और बेटर यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आप देखो, दोबारा चेक करने के बाद हल्का सा इंप्रूवमेंट आया, कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो बाकी अगर कस्टम रोम से कंपेयर करें तो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन कलर वाइज है तो यहाँ पे हम कहेंगे चलो सही है। वहीं पे हम बात करें हमारे सीपीयू टोटल की, तो 1,90,000 मैक्स है, मिनिमम यहाँ पे 1,42,000 है। हल्का फुल्का टोटल दिखाई दे रहा है, फिर भी ग्राफ में कहूँगा कि अच्छा है, कलर वाइज के हिसाब से, पोर्ट के हिसाब से ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है गिक बेंच, ये भी ठीक है और बेटर हो सकता था, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम प्लस और अल्ट्रा एक्सट्रीम अनलॉक मिल जाता है गेमिंग सेटिंग के अंदर, साथ साथ यहाँ पे L1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। सेकेंड डे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 65 से मॉर्निंग में आता है 62, तो यहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है फर्स्ट डे के कंपैरिजन में। और यहाँ पे अगर कैमरे की बात करें तो आप देखो, यहाँ पे कैमरा का कलर बिल्कुल ही सही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना, गूगल ने भाई रूल चेंज कर दिया है एंड्रॉयड 13 से पहले और बाकी जितने भी है सबका सेफ्टी नेट फेल कर दिया है कल के डेट में। तो आप जो भी रोम यूज कर रहे हो, मोडेड हो या पोर्ट वगैरह हो, जिनका डिवाइस सर्टिफिकेशन था वो फेल हो गया होगा, नहीं बिलीव है तो आप जाकर चेक कर लेना। तो जब तक वो पास था, ये रोम में यूज कर रहा था, कैमरे के अंदर कोई भी कलर टिंट वगैरह का इशू नहीं था, देख सकते हो कलर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे ये फेल होता है कल के डेट में, उसके बाद जब मैं फोटो क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे टिंट प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा। ये कल का डेट कब, 21 का, आज 22 है, तो 21 को ही ये चीज़ें फेल हुई है, गूगल ने पॉलिसी चेंज कर दिया है। तो 20 तक सब कुछ सही था, 21 को फेल हुआ, और 20 के बाद जितने भी नए अपडेट आ रहे हैं और उनमें फिक्स करके दिया जाएगा तो फिक्स मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मली फेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे टिंट का प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे देखने को मिला पर्सनली, जबकि सेल्फी वगैरह में नहीं है, लेकिन हाँ बैक कैमरे में ये देखने को मिला है, जो कि मुझे सम टाइम दिक्कत किया है, आप चेक कर लेना एक बार। बाकी यहाँ पे देखो, डिवाइस पहले दिन सर्टिफाइड था, लेकिन सेकेंड डे ये अनसर्टिफाइड हो जाता है और सेफ्टी नेट के तीनों ऑप्शन फेल हो जाते हैं, तो इसे आपको मैनुअली पास करना पड़ेगा, जो कि आप फाइल वगैरह देख के रूट वगैरह करके जो कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ये आपको फेल दिखाई देता है। फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक देखने को मिलता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती। तो ये टोटल चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पे नोटिस हुई है इस रोम के अंदर, जो कि आपको जानना जरूरी था। रोम रियली में काफ़ी सही काम कर रहा है, नॉर्मल बेसिक सब कुछ करके दे रहा है, लेकिन आपको गेमिंग करना है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, और आपको बैंकिंग ऐप यूज़ करना है तो भी मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन इसके अलावा बाकी अदर चीज़ों के लिए काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है। और देख सकते हो, इतना तो भाई कोई भी हाइपर ओएस का मोड आता है एमयूआई का, उसमें इतना ज़्यादा स्मूथ और स्प्रिंगी आपको एनिमेशन देखने को नहीं मिलता, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये रियली में मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है, बस यहाँ पे जो कमियाँ थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, अब डिसाइड आपको करना है। और इसका इंस्टॉलेशन बताया गया है कि भाई आपको इसका ऑफिशियल टीलोरा यूज करना है, बट मैंने ऑरेंज फॉक्स का यूज किया है और उसे ही फ्लैश किया है। और हाँ, इसका प्ले स्टोर में भी आपका क्रैश करेगा, तो आप प्ले स्टोर का APK अपडेट कर लेना, उसके बाद आपका प्ले स्टोर वर्किंग रहेगा। तो डाउनलोड लिंक के साथ मैं APK भी दे दूंगा, ताकि आप प्ले स्टोर को अपडेट कर पाओ और उसका बेनिफिट ले पाओ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इंस्टॉल कैसे करना है वही नॉर्मल सा वाई फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट। मैं लास्ट में एक मेथड ऐड कर दूंगा गाइड वीडियो, जिसे फॉलो करके आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। रोम फ्लैश करने के लिए पावर टर्न एंड वॉल्यूम अप को जो लॉन्ग प्रेस करेंगे फोन स्विच ऑफ होने के बाद, जिससे आपका फोन वाइब्रेट करेगा, लाइट अप होगा, तो हम पावर टर्न को लीव करेंगे, वॉल्यूम अप को होल्ड रखेंगे, आपके फोन का रिकवरी ओपन हो जाएगा। हमेशा या तो ऑरेंज फॉक्स या टीलो आप यूज करना, जो भी रिकमेंडेड किया गया है उसी का, कोई डिफरेंट रिकवरी मत यूज करना। जैसे रिकवरी ऑन होता है आप ब्राउज करना, अपने रोम को सिलेक्ट करना और स्वाइप कर देना, स्टार्टिंग में वाई फॉर्मेट वगैरह मत करना। और मे बी जब भी आप रोम फ्लैश करो तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लैशिंग के दौरान कि आपको रूट करना या नहीं, तो वैसे में आप वॉल्यूम अप डाउन या पावर बटन का यूज करते हुए कमांड को रन करते जाना अगर आता है तो, अदरवाइज नॉर्मल फ्लैश होने देना। अगर स्टार्टिंग में फ्लैशिंग में कोई भी एरर आता है तो आप एक बार सिंपल क्या कर लेना, रिबूट टू रिकवरी कर लेना और उसके बाद रूम को दोबारा रीफ्लैश कर देना। सम टाइम रिबूट टू रिकवरी करते समय आपके फोन का रिकवरी है जो वो चेंज हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, तो जो भी नया रिकवरी शो होगा उसी की हेल्प से आप रोम को दोबारा रिफ्लैश करना। और रिफ्लैश जैसे ही कंप्लीट होता है आप रिबूट टू रिकवरी कर लेना अगेन, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद सिंपल फॉर्मेट कर देना, यस टाइप करके और रिबूट कर देना। कुछ ही मिनट में आपका फोन है जो ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। बिल्कुल ही सिंपल और ईजी तरीका है, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है।